सिल्क की साड़ी में लिपटी आयरिस केरल की पहली एआई टीचर है। इसकी लॉन्चिंग केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई। आयरिस आवाज को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को आवाज में बदलने की क्षमता के साथ जेनरेटिव एआई सिद्धांत पर काम करती है। ये 3 भाषाओं में काम कर सकती है और अनुरोध पर छात्रों से हाथ भी मिला सकती है। ये एआई बेस्ड ह्यूमनॉइड 4 पहियों पर चलता है, अपना सिर दोनों तरफ घुमाता है और अपने हाथों को भी हिला सकता है। आयरिस पर माइक्रोफोन को एक हार के रूप में रखा जाता है और यही बात करने के लिए एक स्पीकर का भी काम करता है। But in future, we will add camera to know people and to understand. And in future, we will make this AI teacher, Iris, just like our real teacher. अगर क्लासरूम में शोर है तो AI teacher सवालों का जवाब नहीं दे सकती है, इसलिए ये teacher क्लासरूम में बच्चों को अनुशासन भी सिखाएगी। Have you tested it in the class? What was the response? Yeah, children were, first of all, if there is crowd or mean so much children making noise, it will not take any question. So children will be disciplined, they will be silent. Through this we are aiming to get the disciplined students. ये पहल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का हिस्सा है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में दिक्कत और बच्चों का शोर अक्सर आयरिस की परफॉर्मेंस को धीमा कर देता है, क्योंकि आयरिस रोबोट उस शोर को पकड़ने की कोशिश करती है ये मानकर कि ये उसके सवाल है। On a time, in a magical forest, there lived a curious squirrel named Sammy who embarked on an adventure to find the lost treasure. She is 24/7 active. Any question she will answer. For the maths teacher, she is capable of in maths. But this Iris is capable of handling any subject under the universe. So students are enthusiastic and interested to interact with the Iris. One funny thing is, they are saying the Iris teacher did not give us the homework. So they did not ask a question by the Iris teacher. They will ask and she will answer. केंद्र सरकार ने अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना के लिए इस निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया है। केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल हर बार राज्य युवा महोत्सव और राज्य स्कूल विज्ञान महोत्सव में शामिल होता है, जिससे उन्हें इस परियोजना को हासिल करने में मदद मिली है।